नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और डेली आप हमारे वीडियो को देख के बहुत सारी जानकारी आप सीख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या इंडिया में, क्या भारत में रिसीजन आने वाला है, क्या मंदी आने वाली है और ऐसी रिपोर्ट आने लगी है। ठीक है दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट आने वाली है, ये मेरा वर्ड ये नहीं है, ये अर्लीवुड का वर्ड नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रहा है। ठीक है, जो अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं उनका रिपोर्ट कह रहा है और आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, न्यूज़ में भी सुनते भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं और ज़रा इसको अपने एनालिसिस में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, यदि आप बैंकिंग, बैंक में आपका अकाउंट है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, यदि आपने लोन लिया है, फिर आपका कोई भी लोन क्रेडिट कार्ड सब चल रहा है, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इनका जो असर है वो इन सभी चीज़ों पे पड़ने वाला है। ठीक है, आपके लोन पे पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड पे पड़ेगा, आपको लोन मिलने का चांसेस कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो है अभी हमने आपको बता रहे हैं, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ग्लोबल जो है बैंकों की रेटिंग कम कर दी है, उन्होंने साफ बोला है जो इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी डाउन है, काफ़ी रिसीशन वाला सिचुएशन है और सीन अभी दिखने लगा है रिसीशन वाला। तो इन्होंने बहुत सारी रेटिंग एक्सिस बड़े बड़े बैंकों की, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी की रेटिंग को क्या कर दी थी, कम कर दिया था, डाउन कर दिया था, जंक में डाल दिया था। ठीक है, तो यदि रेटिंग कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ जो एसेट क्वालिटी है वो डाउन हो गया, एसेट क्वालिटी कम हो गया, NPA बढ़ गया है, NPA बढ़ रही है, रिकवरी नहीं आ रहा है, लॉसेस हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब यही रिपोर्ट देखिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का, इकोनॉमिक्स टाइम्स ठीक है, ET मार्केट इंडिया टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सहयोगी पोर्टल है, तो इन्होंने यही चीज़ बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा हम आपको ये बताते हैं। चलो यहाँ पर देखिए, ये है रिपोर्ट, है रिपोर्ट कब का है, इन्होंने छापा हुआ है, ये देखिए रिपोर्ट है ET मार्केट 26 जून 8:12 PM का, यानी कल का है, और आज की जो टाइमिंग हो रही है, ये टाइमिंग हो रहा है अभी, देखो ये टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है टाइम अभी, ये ओपन, ये देखो 10:08 हो रहा है 27 जून, यानी कल का है और हम आपको आज बता रहे हैं। और ये देखिए इसमें इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है, जरा हम वो लाइन आपको पढ़ के बताते हैं और उसका हम एनालिसिस करते हैं आपको। ये देखिए, वी बिलीव, यानी S&P, ये देखो इसके ऊपर क्या है, S&P के बारे में ही है और S&P ने ही डाउन किया, S&P अफर्म रेटिंग ऑफ 7 अदर बैंक्स रेट्स इन इंडिया। ठीक है, और भी अदर बैंकों की रेटिंग को इन्होंने एनालिसिस किया है, ठीक है, रेटिंग को कम किया है और कुछ का रेटिंग को बरकरार रखा है। तो वी बिलीव, ये देखिए S&P दूसरी लाइन में क्या बोलता है, जो ये देखो, वी बिलीव रिस्क स्टीमिंग फ्रॉम चैलेंजिंग ऑपरेटिंग कंडीशन फॉलोइंग COVID-19 हैव इंक्रीज्ड, रिस्क जो है बैंकों के लिए काफ़ी बढ़ गई है ऑपरेट करना इस COVID-19 की वजह से। और रिस्क ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग चाहे बैंक, चाहे वो लोन हो या फिर लोन की रिकवरी हो, क्रेडिट कार्ड के हो, इन सभी, यानी जो आपको मोरिटोरियम जो मिला है, मोरिटोरियम का मतलब क्या हुआ, बैंकों के पास पैसा आ ही नहीं रही है, जिन्होंने जो बैंकों का प्रॉफिट डिपेंड करता है सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरह से उधार है, एक तरह से वो भी आपको बैंक का ही पैसा है, तो लोन और क्रेडिट कार्ड पे ही बैंकों का प्रॉफिट डिपेंड करता है, और यही यदि डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो आपको मालूम ही है। ठीक है, और उसी का नतीजा है, COVID-19 का ही नतीजा है, जो बैंकों की रेटिंग डाउन होगी इंडियन बैंक्स का, अब बैंक और NBFC की। अब आगे देखिए, वी नाउ एक्सपेक्ट इंडियन इकोनॉमी टू फॉल इनटू रिसीजन, मतलब क्या हुआ, मंदी के दौर में ये रहने वाली है करंट फिस्कल ईयर, S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है, जो रेटिंग एजेंसी है ये वाली, तो इन्होंने बोला है जो करंट फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर में
करंट फिस्कल ईयर में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020 और 21 चल रहा है ना, 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सी है, 2020 है, ये जून है, तो यानी 2020 और 2021 यानी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 से लेके और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक इस बीच का जो फाइनेंशियल ईयर है यानी 2020 और 21, इस बीच में इंडियन इकोनॉमी की जो सीन है वो रिसेशन वाला रहेगा, मंदी रहेगा, ठीक है, मंदी छाई रहेगी। मंदी का मतलब आपको मालूम ही है, जे मीन्स काफ़ी डाउन रहेगा और देखने को काफ़ी बुरी दौर से गुजर रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़, इसीलिए तो भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज लेके आया, ठीक है, तो उन्हीं सब रीजन से ताकि इन सब चीज़ों से बचाया जा सके, राहत मिल सके। तो इन सब का जड़ क्या है, इन सब का जड़ है कोविड-19। कोविड-19 कहाँ से आया, कोविड-19 अब आपको मालूम ही है कहाँ से आया है, ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कहाँ से आया। तो इन सब नुकसान का जड़ कौन हुआ, इन सब नुकसान का जड़ तो आपको मालूम है जहाँ से कोविड-19 आया और उन्होंने इसका देखभाल नहीं किया और इनको बढ़ने दिया, तो इनका जड़ तो वही है। इंडिया से कौन अभी लड़ाई कर रहा है, चाइना ही है, और चाइना ही है जो लोगों को परेशान कर रखा है। तो इन सब का जड़ यही है, और ये सब रिसीजन जो आ रही है, इन सब का जड़ कौन है दोस्तों, इन सब का जड़ है चाइना ही। और चाइना ने, अभी हम नहीं बोल रहे, ये रिपोर्ट बोल रहा है, हम और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ये सिर्फ रिपोर्ट बोल रही है, और ये पूरी हर कोई पूरा दुनिया जानता है जो इनका जड़ और इनका फैलाव जो है चाइना से ही हुआ है, और चाइना लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने में लगा हुआ है, ठीक है, और काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। तो यही है जो इस रिसेशन का जड़ है चाइना, और ये जो है इकोनॉमी है काफ़ी डाउन हो चुकी है और ये रिसेशन में जा चुका है, रिसीजन में रहने वाले मंदी रहेगी यानी 2020-21 तक। और अब आपको काम पे ध्यान देना है, वर्क पे ध्यान देना है, ताकि आप इस रिसीजन के चपेट में ना आ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया, इस वीडियो में यही बताया जो अभी जो मार्केट की सीन चल रही है बैंक फाइनेंस का, बैंकिंग फाइनेंस NBFC का, जो मार्केट में रिसीजन रहने वाला है, और रिसीजन का मतलब कैश फ्लो कम हो गया है, कैश फ्लो कम होने का मतलब लोगों बैंकों को या NBFC कंपनी को प्रॉफिट कम हो रही है, सरकार को भी देख रहे हो प्रॉफिट कम ही हो रहा है, आम जनता को प्रॉफिट कम हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब तो मंदी की ही मार है ना, ये सब मार्केट डाउन रहेगा तो मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउन रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे लोगों के पास, ठीक है, तो यही सब कारण है, लोगों के पास जॉब लेस हो जाएंगे, जॉब ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, तो यही क्या है, रिसीजन ही है ना। तो अब आपको ये सब समझा दिया मैंने सारा चीज़ क्लियरली, अब आप लोग कहीं से कुछ भी जो भी काम मिलता है चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम वाम करके कुछ पैसे वैसे कमाने का कोशिश करो, टाइम पास मत करो, नहीं तो बुरे से बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है इंडियन इकोनॉमी। वीडियो से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, ठीक है, थैंक यू।